अभी जो है भैरवनाथ मंदिर तक जाने के लिए हमें 800 मीटर की चढ़ाई करनी पड़ेगी। पाँव बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहे। मेरा फ्रेंड बोला कि भाई एक कदम आगे नहीं चल सकते, पहले प्रसाद ग्रहण करेंगे उसके बाद थोड़ी एनर्जी आएगी। हेलो एंड वेलकम बैक गाइज, मैं आपका भाई आपका दोस्त सागर सज्जन फिर से आ गया एक न्यू ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग जो है काफी ज्यादा खास होने वाला है, तो गाइज ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें। तो गाइज जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा, हमने बाबा केदार के दर्शन कर लिए थे। गाइज फिलहाल अभी हम जा रहे हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए। बाबा भैरवनाथ का मंदिर केदारनाथ मंदिर से 800 मीटर की दूरी पर है। आप यहाँ पर किसी से भी पूछ लेना बाबा भैरवनाथ का मंदिर कहाँ पर है, वो आपको बता देंगे। फिलहाल तो गाइज बहुत ज्यादा हालत खराब है, क्योंकि सुबह की 4 बजे से हम दर्शन की लाइन में लगे हुए थे। उसके बाद हमें जो 11 बजे करीब दर्शन हुआ, उसके बाद हम जो है मंदिर के आसपास घूमे। अभी जो है 12:30 बज रहे हैं और अभी जो है भैरवनाथ मंदिर तक जाने के लिए हमें 800 मीटर की चढ़ाई करनी पड़ेगी। पाँव बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहे, बहुत ज्यादा हालत खराब है। तो गाइज उससे पहले हम जो है यहाँ पर भंडारे की प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, शायद थोड़ी एनर्जी आ जाए, उसके बाद हम आगे की चढ़ाई करेंगे। तो गाइज मैंने तो बोला था कि पहले दर्शन कर लेते उसके बाद जो है प्रसाद ग्रहण कर लेंगे, बट मेरा फ्रेंड बोला कि भाई एक कदम आगे नहीं चल सकते, पहले प्रसाद ग्रहण करेंगे उसके बाद थोड़ी एनर्जी आएगी, उसके बाद आगे की चढ़ाई करेंगे। बाबा भैरवनाथ की यहाँ पे बहुत बड़ी लंबी कहानी है, जो मैं आपको आगे शॉर्ट में सुनाने की कोशिश करूंगा। तो गाइज ब्लॉग में बने रहे और देखते रहे। गाइस हिंदू मान्यताओं के अनुसार देश में जहां जहां भगवान शिव के सिद्ध मंदिर है, वहां वहां काल भैरव के मंदिर भी है, और इन मंदिरों के दर्शन के बिना भगवान शिव के दर्शन अधूरा माना जाता है। चाहे काशी के बाबा विश्वनाथ हो या उज्जैन के बाबा महाकाल, दोनों ही स्थानों पर काल भैरव मंदिर है और भक्त भगवान शिव के दर्शन के बाद इन दोनों स्थानों पर आकर सिर झुकाते हैं, तब उनकी तीर्थ यात्रा पूरी मानी जाती है। ऐसे ही केदारनाथ मंदिर में भी भूकुंड भैरवनाथ का मंदिर है। यहाँ भी हर साल केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले भैरव मंदिर में पूजा पाठ की जाती है। कुछ साल पहले ऐसा भी सुनने में आया था कि पुरोहित से पूजा पाठ में कुछ कमी रह जाने के कारण भीषण आपदा आई हुई थी। तो गाइज फाइनली बाबा भैरवनाथ के दर्शन हो गए, अब जो है हम नीचे की तरफ जाएंगे। पता नहीं गौरीकुंड कितने बजे तक पहुंचेंगे, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। गाइज बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है यहाँ से जाने को, बट जो भी है जाना पड़ेगा। ये जो 24 घंटे थे वो गोल्डन 24 घंटे थे।